आप पसंद करेंगे? वैसे आप पीते तो नहीं हैं? मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। इससे पहले कभी देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में, मगर पिछले 5 दिन से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं और पूछूं कैसे। ट्रक के साथ में हेडलाइन क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के कुछ क्षणों बाद तो आखिरी वक्त में उसने क्या कहा? उसे होश कहाँ था, मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ घर पहुंचने के बाद। तो उन आखिरी लम्हों में तुम उसके साथ? नहीं, तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? दफ्तर में फोन किया था। क्यों? ओह, गलत सवाल। क्योंकि पिछले दिनों मिलने की बात हुई थी और वो नहीं आ पाई थी, इसलिए। फिर? एक्सीडेंट की खबर एक लाइन में मिली। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त से हाथ से जो निकल गई। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? जो चला गया उसके बारे में तुम, खैर तुम क्या समझोगे कि वो मेरे लिए क्या थी? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? ताकि तुम्हें देख सकूं, बात कर सकूं। और फिर? 2 बार फोन तक मिलाया। मेरा मतलब हम दोनों ही तो हैं जो एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तुम ऐसा सोचते? कुछ गलत है इसमें? सारी जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बातें सुलझी हुई जरूर लगती हैं। यानी? उस हालत में वो पूरी सच्ची नहीं होती। यानी जो कुछ भी मैंने किया खुद की खुशी के लिए किया। पर तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और हर चीज का मैं जवाबदेह नहीं हूं। अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब जानना ही है तो अगर उसने आगे हाथ ना बढ़ाया होता तो शायद। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? नहीं। तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि? ये जरूर लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ छूट जाएगा जिससे। उसके पर्स में एक डिब्बी थी। डिब्बी में एक झड़ाऊ कफली, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे नाम के इनिशियल के साथ में सालगिरह मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी थी। डायरी में एक नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में चेक किया तो पी और एम पूरे खुल गए। और अगर ये सब ना मिला होता तो? क्या मतलब? मतलब तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? अक्सर उलझन जरूर होती थी। जैसे? जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, बिना बात के अपने आप मुस्कुरा उठना, और कई शामों की नामौजूदगी। कब से लग रहा था उसे ऐसा? कब से था यह सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। लेकिन जानने में आया हूं। लगभग 1 साल से थोड़ा कम।
पहली मुलाकात मेरे दफ्तर में है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम था तो इसलिए उसे रेनोवेशन के लिए बुलाया था। जगह दिखाई, फिर प्लानिंग और बजटिंग की बातें हुई और आखिरी में उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा कर लिया। फिर फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद हमारी एकाएक मुलाकात हुई। कहाँ? चर्च गेट पे। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने बेम्बोली में कॉफी और चीज सैंडविच खाया। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम से हामी भर दी? एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या और कहीं जाना है? नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने उसे दोबारा फोन किया। क्यों? इरोस टॉकीज की मूवी का टिकट था मेरे पास, अपने दोस्त के लिए मंगाया था लेकिन उसे बाहर जाना पड़ा, इसलिए फोन करके मैंने उसकी दिलचस्पी पूछी और पूछा अगर वो वक्त निकाल पाए तो। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे खुशी होगी। तो पहली बार उसका हाथ वहीं थामा था? उसने एक बार भी हटाया नहीं? नहीं। तुम लोग बैठते कहां थे? बेम्बोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड। और पहली बार उसे चूमा कहां था? और पहली बार कहां? मत पूछो। क्यों? क्योंकि तकलीफ होगी, चुभन पहुंचेगी तुम्हें। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ है। एक सेकेंड, मेरे घर में? नहीं। मेरे कमरे में? मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? दोनों। इसके लिए कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो, शायद उसी ने। पर वो क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। इस सब के बावजूद? इसी वजह से। झूठ है ये। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम ही जानते होगे। काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचोट, उसका पास आते आते छिटक जाना, फिर तकिए में अपना मुंह छुपाए कमजोरी का वो सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। तुम्हारा बहुत ख्याल था उसे, हमेशा तुम्हारे ही बारे में बातें करती थी। तुम्हें परकोलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में तुम्हें प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। ये सब सुन सुन के ऐसा लगता था मानो सजा दे रही है। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम? बात साफ साफ मेरे और उसके बीच की थी। पर मेरा रिश्ता क्या था उससे? अरे उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और इतना ही घमंड है तुम्हें अपने रिश्ते पे, तो उसकी बेड़िया बनाकर उसके पैरों में क्यों ना तुम? तुम हर जगह मौजूद थे उसके लिए। हम बेरीज नहीं जाते थे क्योंकि तुम्हें वहां की पेस्ट्री पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जूहू नहीं, रेंदेवू नहीं क्योंकि तुमने वहां उसे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? उसके लिए तो उसका तजुर्बा ही झूठा हो जाता। और तुम? मेरे लिए तो वो इस साथ में कभी डूबी ही नहीं थी।
तुम ही तो थे हर जगह। चलते हुए हिंडोले की तरह, एक बार ध्यान इस तरफ, एक बार उस तरफ। उसकी साड़ी के पल्लू में तुम्हारी उंगलियों की छुअन। देर रात दबे पांव चल के तुम्हारे कदमों की आहट। खिड़की के पीछे तुम्हारी बंद आंखों की चिंगारी। तो उससे क्या हो जाता था? मैं इन लम्हों में कभी जज्ब ही नहीं हो पाया। चुभन होती थी कि कल रात तुमने उसे छुआ है और आज रात फिर तुम उसे। और मुझे किसी तरह की चुभन नहीं थी। जब वो मेरे पास होती थी तो मुझे लगता था कि बस सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, गलत थे वे लम्हे। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। यही इल्जाम मेरा था उस पर हमेशा कि मेरे साथ वो बस अपनी शादी की उकताहट दूर करने के लिए खड़ी थी। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि वो बहुत सर्द पड़ गई थी। एक साल पहले से ही? इस एक साल पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि तभी तो हमारा मिलना हुआ था। पिछले कई दिनों से शक का वो डंक बार बार दिल में हाथ आगे बढ़ते हैं लेकिन वापस लौट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की कोई छोड़ी हुई केचुल छुई हो। शक की कड़वाहट इस तरह घुल गई है मन में कि बीती हुई घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता है वो बस इस कसैलेपन का। तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो सर झुकाए खड़ी होती थी और अपनी उंगलियों में रुमाल के कोनों को लपेटती खोलती थी, फिर जब अपनी नजरें इस तरफ ऊपर उठाती थी तो तुमने पहचान ली थी वो खासियत। हाँ, दरअसल सबसे पहले जिस चीज ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया वो यही नजर थी। एक दोस्त के यहां पर गार्डन पार्टी में गया था और उसे देखा तो उसकी मुस्कुराहट को मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान जाता था। जो शरीर के दो पैक पीने के बाद हल्की सी हो जाती थी और एक कबूतर की तरह, मासूम कबूतर, कभी इस टहनी पे, कभी उस झुरमुट पर, कभी लंबी उड़ान लिए झील के उस पार, और उसके दाएं गाल पे होठों के पास अंगारों सा दहकता वो दिल। कहीं तुमने उस तरीके से तो नहीं लिया, मतलब सस्ते ढंग से? लिया होता तो शादी की बात थोड़ी होती। हुई थी क्यों ना होती, वो भी कोई जिंदगी थी। हमेशा डरे हुए, सहमे हुए, छुप छुप के, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें ना बता दे। मैं ये सब सहन नहीं कर पाता था। पिछली गली का सन्नाटा और धुंध, ऊपर से लगातार चीरती हुई वो खराश। मुझे खुला आसमान चाहिए था, चमकदार धूप। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे थोड़ी मोहलत चाहिए। 3 बार वक्त भी मांगा लेकिन कुछ फैसला नहीं कर पाई। क्यों?
क्योंकि तुम्हें पाकर वो खुद को अभी भी कमजोर महसूस करती थी। अभी भी तुम उसके साथ ही थे। तुम्हें चोट पहुंचाना उसके लिए आसान नहीं था। बीते दिनों के खातिर मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूं जो समझ ना सकूं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि हमारे बीच में सब कुछ कैसे नामालूम ढंग से बुझ गया था। अच्छा, अगर हमारे बीच में एक बच्चा होता तो क्या यह सब कुछ ठीक हो सकता था? पर अगर ठीक ही होना होता तो ये दलीलें ही देती क्यों फिरती कि बंधना नहीं चाहती इस रिश्ते में। ये तुम्हारे लिए थी। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को के दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना के तुमसे खफा परसों खत्म हो रही है, पर सोच रहा हूं बढ़ा लूंगा। तुम्हें लगता नहीं कि काम में ध्यान डुबाकर शायद से तुम, मैंने भी 2 दिन की छुट्टी ली थी। खालीपन ऐसा छाया दिमाग पे कि पुरानी यादों के दबाव से नसें फटने को आ रही थी कि ये किया होता तो ऐसा होता, वो किया होता तो बात वहां तक ना पहुंचती। सब फिजूल की बातें, बेकार के ख्याल जिनका अब कोई मतलब ही नहीं। अब तो बस दिन भर काम, दफ्तर, रात में रेस्तरां और फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है? कभी गहरी कभी उचटी। कौन कौन है घर में? सभी लोग हैं। वो कभी गई है तुम्हारे यहां? नहीं। इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को उस घर में, लेकिन मेरे घर की तो एक एक चीज से उसकी याद जुड़ी हुई है। मैं एक खिड़की खोलूं तो, मैं एक पर्दा खोलूं तो, मैं एक दरवाजा खोलूं तो मेरा तो 10 सेकेंड भी काटना मुश्किल है उस चार दीवारी में, जब किसी न किसी बहाने उसकी याद मुझे दिलाता है। कभी कभी जगह बदल देने से शायद। निकल रहा हूं आज शाम को ही। कहाँ? 2-3 नाम बताए थे, जहां की बर्थ पहले मिल जाएगी निकल जाऊंगा। कब तक लौटोगे? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना वहीं कहीं तबादला करा लूंगा।
और तुम? मैं? हाँ, तुमने क्या सोचा है? सोचा है शादी कर लूंगा जल्दी। सही है। पता है, पिछले 2-3 दिनों से मैं बराबर सोचता रहा कि मान लो ये डिब्बी या और कोई चीज ना मिली होती तो मैं बराबर यही समझता रहा कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। तो क्या कुछ गलत हो जाता इसमें? उन शुरू की याद से भी शर्मिंदगी होने लगती है मुझे, जब तुम हमारे बीच में कहीं नहीं थे। मगर तेरे काश ये डिब्बी ना मिली होती। लुभाते रहे हैं यही सोच कर तुम भुला खताएं, तुझे हम बहुत याद आते रहे हैं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रसमन सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तुम हो तो